नमस्कार दोस्तों, मुक्ता का दुनिया में आप लोग को स्वागतम दोस्तों। और दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको डेंथिस का हम केयर दिखाए थे और कटिंग भी करके दिखाए थे। सारे कटिंग मेरा तैयार हो गया है फ्रेंड। और ये सब देखिए, कटिंग किए थे, इसमें से फूल आना शुरू किया है। देखिए, काट के फेंके थे और इसमें से भी देखिए न्यू फूल आने लगा। और यहाँ से भी देखिए, इस तरह तोड़ देना है। ये देखिए, इस तरह हटा देना है। और इसमें गुलाब का पपड़ी गिरा है, देखिए। ये सबको साफ सफाई करना है। तो हम आप लोग को साथ ही लेकर के बैठे हैं। ये सब में बहुत फूल खिला था फ्रेंड। ये देखिए, ये व्हाइट वाला है, घास की तरह दिखता है। इसका इसका जितना भी फूल हो जाएगा उसको उस जगह से काट के हटा देना है फ्रेंड। इस तरह इसको काट देंगे और यहाँ से फिर इसको लगा देंगे ना फ्रेंड। तो ये देखिए, ये जो है ना, इसको फूल को हटा देंगे। ये देखिए, इसका पत्ते सबको थोड़ा फेंक देंगे, यहाँ से लगा देंगे तो फिर इसी में हो जाएगा। तो देखिए, हम इसको लगा कर दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए, बस सिर्फ मिट्टी में जाके दाब देना है फ्रेंड इसको, बस ये लग जाएगा। ये देखिए, यहाँ से पौधा निकल आएगा। और फ्रेंड, इसमें हमेशा हम लिक्विड खाद पानी ही डालते हैं। देखिए, ये सबको भी हम काट देंगे फिर। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से इसे काट दिए। और ये सबको साफ सफाई करना है फ्रेंड। उतना लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, आप लोग मन से देखिएगा। और ज़्यादा फुलाने के लिए क्या क्या देते हैं वो सब थोड़ा कुड़ाई भी करेंगे। और लिक्विड पानी हम हमेशा देते हैं। जो कोई भी आपका सब्जी का किचन से निकालता है फ्रेंड, वो सब का जो है पानी में डाल करके एक बार जब लगाएं उसके बाद और कुछ नहीं देना है, सिर्फ लिक्विड पानी ही देते जाओ। अब देखिए किस तरह घना, यहाँ से कटिंग करके हम सब निकाल लिए थे फ्रेंड। देखिए कितना घना निकल आया है। और ये सब में देखिए, सब कुड़ी आया है। देखिए, सब में कुड़ी आया है। इसमें फूल खिल चुका है। ये देखिए, यहाँ से हम कट कर देंगे, फिर यहाँ से फूल आएगा फ्रेंड। ये देखिए, निकाल दिए हैं। और इसमें से देखिए फ्रेंड, कितना सारे फूल खिल चुका, देखिए। अरे देखिए, कितना अच्छा लगता है। और इसमें कितना कुढ़ी है, देखिए फ्रेंड। ये देखिए, कल खिलेगा, ये सारे फूल खिलेगा। और इसमें से हम कटिंग बहुत लगाए, आप लोग को उस दिन हम दिखाए थे फ्रेंड। और जितना भी लगाए हैं ना फ्रेंड, सारे हो गया है। आपको एक तो दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें जो है ना, इसका बेल के तरह थोड़ा सा था, तो उसको एक तरफ डाल दिए और कितना सारे एक साथ में निकला है, देखिए। ये देखिए, ये जो है ना, घास के तरह जो दिख रहा है, ये वाला डंथिस है। तो ये एक से बहुत हो जाता है फ्रेंड। और इसमें भी देखिए, लगा दिए थे, इसमें भी हो गया। अब बहुत सारे हम लगाए हैं, आपको लास्ट में दिखाते हैं। सारे लग गया है फ्रेंड। तो एक से कितना ज़्यादा बना सकते हैं, अगर बारिश के समय आप बचा लेंगे ना फ्रेंड, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसको थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए, इसको थोड़ा कुड़ाई कर देना है फ्रेंड। ये देखिए, ये सब आप कुड़ाई करते हैं, थोड़ा सा कुड़ाई करके आप लोग को हम फिर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, सारे को कुड़ाई कर दिए हैं। ये देखिए, भुरभुरे मिट्टी है, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। ये भीगा हुआ है, इसमें नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे पानी। हाँ, जिसमें पानी ज़रूरत है उसमें सिर्फ पानी डालेंगे फ्रेंड, और दूसरा में नहीं डालेंगे। देखिए फ्रेंड, इसका कलर कितना सुंदर है, देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा लग रहा है। इसका कलर देखिए अलग है, इसका कलर अलग है, और इसका देखिए फ्रेंड, इसका भी अलग है, देखिए। और ये देखिए, ये भी अलग है। इसमें कटिंग लगाए थे, देखिए फ्रेंड, ग्रो बैग में ये कटिंग लग गया है, फूल भी आ गया है। थोड़ा पानी डाल देते हैं फ्रेंड, इसमें डेली पानी देना पड़ता है, किसी किसी में नहीं देना पड़ता है फ्रेंड। ये मिट्टी का पॉट है ना, तो इसमें पानी देना पड़ता है। और प्लास्टिक का होता है ना फ्रेंड, उसमें पानी रोज नहीं जरूरत होता है।
अब फ्रेंड देखिए मेरा सारे तो इसका जो कोई खाद अभी डाले नहीं है फ्रेंड, अभी सूखेगा ना तब ये लिक्विड खाद डालेंगे। और दिखाते हैं फ्रेंड कितना सारे हम कटिंग जुगाड़ किए हैं इसी में से। ये देखिए फ्रेंड यहाँ रख दिए हैं, देखिए ये भी जग गया है। देखिए एक बार पौधा लाने से फ्रेंड ये फिर लगाने का जरूरत नहीं होता है, बस रखने का तरीका होना चाहिए अच्छा से। रखने से गर्म बारिश सारे चीज को देखते हुए उसको तैयार करना है तभी होगा। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे भी कटिंग रखे हैं, और यहाँ देखिए फ्रेंड कितना सारे कटिंग है, देखिए ये देखिए कितना कटिंग तैयार किए हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड बताइएगा। फ्रेंड प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड जितना गुलाब है ना सब कटिंग किए थे, मैंने ऐसा फूल होता है ना तो काट देना पड़ता है इस तरह, तो फिर ऐसा निकालने लगता है। ये देखिए फ्रेंड यहाँ फूल हुआ था ये काट दिए, इसी का नीचे से देखिए फिर फुटाव निकालने लगा। तो फ्रेंड कैसा लगा बताइएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड, फिर दूसरा वीडियो लेके आ रही हूँ, अच्छा अच्छा वीडियो फ्रेंड। थैंक यू, बाय।